जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेचे खांदा कॉलनी येथील सांगू काना ठाकूर महाविद्यालय, श्री रामशी ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ आणि कॅन्सर पेशंट्स अँड असोसिएशन यांच्या वतीने 2 दिवसीय गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर प्रतिबंधात्मक मोफत लसीकरण शिबिराला शुक्रवारपासून सुरुवात झाली आहे. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचं असलेल्या या शिबिराला उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर आणि कॅन्सर पेशंट्स अँड असोसिएशनचे संस्थापक चेअरमन डॉक्टर योगेंद्र सप्रू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुभारंभ झाला. गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सरची तपासणी करण्यासाठी HPV नामक चाचणी करावी लागते आणि ही चाचणी महागडी असल्याने महिलावर्ग याकडे दुर्लक्ष करतात. बाजारात या एका चाचणीसाठी सुमारे 7 ते 9 हजार रुपयांचा खर्च येतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर हा HPV हाय रिस्क विषाणूमुळे होतो. महिलांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या कॅन्सरमध्ये या कॅन्सरचा दुसरा क्रमांक लागतो. महिलांमध्ये धडकी भरवणारा सर्व्हिकल म्हणजेच गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर ही जगभर मोठी समस्या आहे. या कॅन्सरच्या निर्मूलनासाठी ऑक्टोबर 2021 CKT महाविद्यालयात केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉक्टर भारती पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मोफत पहिला लसीकरण डोस महाशिबिर पार पडलं. या शिबिरात 1000 मुलींचं मोफत लसीकरण झालं होतं. त्या पहिला डोस घेतलेल्या लाभार्थींना दुसरा डोस देण्यासाठी या शिबिराचं आयोजन 8 आणि 9 एप्रिल रोजी करण्यात आलं आहे. HPV लसीकरणामुळे जागतिक स्तरावरील गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगात घट झाली आहे. भारतात या कर्करोगाचं प्रमाण हे अल्प उत्पन्न गटातील महिलांमध्ये अधिक आहे. लशीची किंमत हा भारतातील चित्र बदलण्यामागील मुख्य अडथळा आहे. त्यामुळे माजी खासदार लोकनेते रामशी ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, महापौर डॉक्टर कविता चोतमोल तसंच कॅन्सर पेशंट्स अँड असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली सांगू काना ठाकूर महाविद्यालय, श्री रामशी ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ आणि कॅन्सर पेशंट्स अँड असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने कॅन्सर प्रतिबंधात्मक मोफत लसीकरणाचा मोफत उपक्रम राबवून लेकींच्या आरोग्याची काळजी घेण्यात आली आहे. त्यानुसार शुक्रवारी सुरू झालेल्या या शिबिराच्या शुभारंभावेळी जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेचे अध्यक्ष अरुण शेठ भगत, महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, कॅन्सर पेशंट्स अँड असोसिएशनच्या CEO अलका बिसेन, कार्यकारी संचालिका डॉक्टर धनंजया सारनाथ, डॉक्टर भावना शर्मा, उपमहापौर सीताताई पाटील, महिला मोर्चाच्या तालुका अध्यक्षा रत्नप्रभा खरत, शहराध्यक्षा वर्षा नाईक, नगरसेवक डॉक्टर अरुणकुमार भगत, प्रभाग समिती सभापती वृषाली वाघमारे, नगरसेविका राजश्री वावेकर, डॉक्टर संतोष आगलावे, डॉक्टर कृष्णा देसाई, डॉक्टर राजेश सोनार, क्रीडा शिक्षक डॉक्टर विनोद नाईक, डॉक्टर RV येवले आदी उपस्थित होते. प्रोग्राम की हमें पहले सबसे पहले सोनार जी हमें हमारे MLA साहब से मिले, 1-7 महीने पहले की बात है. और सोनार जी ने MLA साहब को बताया कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कैंसर जो होता है केवल महिलाओं में होता है और एकमात्र ऐसा कैंसर है जो वायरस से होता है. बाकी सारे कैंसर है वो अपने आप होते हैं, जिन्हें कोई वायरस नहीं रहता है, बैक्टीरिया रहता नहीं है, जैसे अपने आप होता है कैंसर. और जिनके ऊपर कोई ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है, ये ऐसा कैंसर है HPV कैंसर जो HPV वायरस से होता है. उसके ऊपर वैक्सीन मार्केट में आते हैं, मुझे लगता है 10 साल हो गए, लेकिन जिसकी प्राइस जो है बहुत हाई है, लोगों को वो वैक्सीन लोग इतने इजीली नहीं ले पाते हैं, क्योंकि साधारण एक वैक्सीन लेने जाए तो 2500 के उसके रेट रहते हैं, और जो कम से कम 2 डोज हमें लेने पड़ते हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है हर एक के लिए. तो कोई भी मतलब इजीली जाकर वो लेता नहीं गायने के पास कि हमें वैक्सीन लेना है, अवेयरनेस बहुत कम है इसका. सो हमारे MLA साहब ने डिसाइड किया है कि क्यों ना हम ये कैंप ले लें, और हमारी जो चांगू काना ठाकुर महाविद्यालय की पूरी टीम है उन्हें साथ लेकर हमारे आमदार साहब ने एक मीटिंग ली, और उसमें हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले 1000 जो गर्ल्स है उनका वैक्सीनेशन करेंगे. उसके पहले हमने अवेयरनेस कैंप लिया, फिर सभी और तभी जो पीरियड था मैम धनंजय मैम, पूरा लॉकडाउन का पीरियड था क्योंकि कोरोना का इतना सब चल रहा था और कोरोना की वैक्सीन लोग ले रहे थे, कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल रही थी, पेशेंट्स बाकी के ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे, उसी टाइम पे हमारा ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ. तभी बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट है या कोरोना के लिए, कोरोना के लिए तो ये भी लेना चाहिए क्या, मतलब ये टाइम में हमने शुरू किया जो टाइम में इम्पॉसिबल था. फिर अवेयरनेस करते करते स्कूल भी तभी बंद थी, स्कूल में हमने जाके बहुत सारे स्कूल में जाके हमने बताया कि ऐसे ऐसी वैक्सीनेशन आई है,
बच्चों के लिए है, लड़कियों के लिए है, जो आगे उनको प्रोटेक्ट करेगी सर्वाइकल कैंसर से। सबसे पहले आदरणीय सत्यो साहब, आपका दोनों फैमिली का मैं और हम सारे लोग मिलकर दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं। आज हम सब लोग आज मुंबई के क्षेत्र में रहते हैं और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि मुंबई के क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन है आज पूरी दुनिया में अगर किसी क्षेत्र को हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया को देख, जाहिर सी बात है कि इस एरिया की पॉपुलेशन भी उसी तरीके से बढ़ रही है और जिसके फायदे होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो उसी तरीके से जो चीज़ें शायद हमें रूरल एरिया में देखने को ना मिले क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो वो सारे इश्यूज जो आज अगर रूरल एरियाज में कम है लेकिन मुंबई के नज़दीक होने की वजह से हमारे एरिया में ज़्यादा है। चूँकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन है, मुंबई आज कॉर्पोरेशन एरिया हम लोग कंपेयर करें, आज हमारी मेयर यहाँ पे बैठी है, शी इज द फर्स्ट मेयर ऑफ पनवेल कॉर्पोरेशन। हमारा बजट है 1000 करोड़ के नीचे और मुंबई कॉर्पोरेशन की मतलब हजारों करोड़ रुपया एफडी में पड़ी हुई है। देर इज नो कंपेरिजन, वी आर नियरर टू मुंबई बट देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन दैट कॉर्पोरेशन एंड दिस कॉर्पोरेशन। मुंबई कॉर्पोरेशन मन में आया 500 स्क्वायर फुट के नीचे के सबको बोल देती है टैक्स फ्री, दे डोंट हैव दैट, उनका तिनका तक नहीं हिलता। और हम लोग अगर 500 स्क्वायर फुट के नीचे वालों को टैक्स पनवेल कॉर्पोरेशन वेवअप करना चाहे तो पनवेल कॉर्पोरेशन अगले महीने का पगार भी नहीं दे पाए, तो फैसिलिटीज कहाँ से दे पाए। ये कंपैरिजन है और इसकी वजह से जो जो मेडिकल एमिनिटीज मुंबई में दिया जा सकता है, मुंबई कॉर्पोरेशन इटसेल्फ हैज ह्यूज हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैनॉट बी कंपेयर्ड विद अवर एरिया। तो इसके लिए हमको आप जैसे इंस्टीट्यूट्स की मदद लगेगी कि जिसके माध्यम से कोलैबोरेशन में हम ये सारा खड़ा कर पाए। मैंने आपसे जब डिस्कस किया उस वक्त बताया आपको कि पनवेल में आज ये जो सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल है जो आया सामने, आज ट्रीटमेंट दे रहा है घरघर के एरिया में और इनिशियली सचिन तेंदुलकर जी प्रपोज दिस टू ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस जी और फिर उन्होंने यहाँ खारगर एरिया में उनको प्लॉट अलॉट किया, आज वो फैसिलिटी ओपन अप हो गई, पूरे देश के जो गरीब से गरीब घर के बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर अपने हार्ट का ट्रीटमेंट वहाँ पर फ्री विदाउट एनी कैश काउंटर वहाँ पर कर पा रहे हैं। पहले मुझे बताना है कि ये सब पॉसिबल है क्योंकि हमारे आमदार साहब है, हमारे महापौर है, इन लोगों ने इसको इनिशिएट किया अलोंग विद पनवेल के रेसिडेंट राजेश भाई, राजेश इज पार्ट ऑफ द सीपीए टीम आल्सो। और आज तो मैं बहुत ही ओब्लाइज्ड हूँ कि हमारे बीच हमारे सीपीए के चेयरमैन श्री सप्रू जी और हमारे सीपीए के सीईओ भी आज आ सके, आज आए, उन्होंने बहुत एक्चुअली हमारे चेयरमैन ने तो बहुत ही जिद की कि मुझे आना है, ये आपका वैक्सीनेशन और कविता ताई और प्रशांत भाऊ सबको मिलना है, तो इसलिए ये शक्य था।